और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है रांची से। आपको बताएं कि दो बसों की टक्कर हो गई है जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है, साथ ही साथ हादसे में 16 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। बुंडू इलाके की ये घटना बताई जा रही है, तो बुंडू इलाके की ये घटना बताई जा रही है इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो बसों की टक्कर हो गई है जिसमें एक यात्री की मौत हो गई है और हादसे में 16 यात्री जख्मी हो गए हैं। तो रांची से इस वक्त जो खबर मिल रही है, दो बसों की टक्कर में एक यात्री की मौत की खबर मिल रही है, साथ ही साथ हादसे में 16 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। बुंडू इलाके की यह घटना है, तो बुंडू इलाके की यह घटना बताई जा रही है जहां पर दो बसों की टक्कर में एक यात्री की मौत की खबर मिल रही है, साथ ही साथ हादसे में 16 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। तो रांची में दो बसों की टक्कर हुई है जिसमें एक यात्री की मौत की खबर मिल रही है और 16 यात्री जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता अविनाश। अविनाश जानना चाहेंगे सबसे पहले आपसे कि आखिर कैसे हुई ये टक्कर। देखिए ललिता, जो जानकारी मिल पा रही है रांची से बुंडू और बुंडू से रांची जो बस अप एंड डाउन करती है उसके बीच में ही ये टक्कर हुई है। और जो इलाका जिस तरह की सूचना आ रही है, इलाका चूंकि सुबह के समय में बहुत कुहासा था और शायद इसी क्रम में या कह सकते हैं कि भूलवश ये एक्सीडेंट हुआ होगा। सामने बहुत दूर तक नजर नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर ड्राइवर के द्वारा हुई होगी, इसके बाद ये घटना घटी है। और जो जानकारी आ रही है कि इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और अब तक उसकी पहचान भी नहीं हो पाई है। 1.5 दर्जन के करीब जो सूचना आ रही है जो घायल है और घायलों को बिल्कुल जो घायल है उनका इलाज जारी है। अविनाश, उन तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। तो आपको बताएं कि रांची से बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं जहां पर दो बसों की टक्कर हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर है और करीबन 16 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगली खबर मिल रही है जमशेदपुर से। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट के अगवा हुए दो कर्मचारियों में से एक की लाश मिल गई है। जिस कर्मचारी की हत्या हुई है उनका नाम वेंकट रेड्डी है। श्याम सुंदरपुर थाने के खरीका सोल गांव के पास शव बुरी तरह पत्थर से कुचला हुआ मिला है। वहीं अगवा हुए दूसरे कर्मचारी को पुलिस ने बरामद कर लिया है जिससे पूछताछ जारी है। हत्या के पीछे नक्सलियों का हाथ बताया जा रहा है। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट को नहर बनाने का ठेका मिला हुआ है। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की किस्मत का आज फैसला होना है। सिवान तेजाब कान पर कोर्ट फैसला सुनाएगी। अगर इस केस में शहाबुद्दीन बरी हो जाते हैं तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। आरोपों के मुताबिक 2004 में शहाबुद्दीन से जुड़े लोग रंगदारी मांगने के लिए राजीव रोशन के घर पर आए थे, जिसके बाद राजीव रोशन के दो भाइयों गिरीश और सतीश ने छत से तेजाब फेंक दिया था। रंगदारी मांगने आए बदमाश भाग गए। बाद में अपराधियों ने गिरीश और सतीश को उनके घर से उठाकर ले गए और ईंट भट्टी में जिंदा डाल दिया, ऐसा आरोप है। हालांकि न तो गिरीश और न ही सतीश का शव बरामद किया जा सका। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त पूर्व सांसद शहाबुद्दीन जेल में थे, लेकिन शहाबुद्दीन पर साजिश रचने का आरोप है। इस मामले से जुड़े चश्मदीद गवाह और गिरीश सतीश के भाई राजीव रोशन की भी 16 जून 2014 को डीएवी मोड़ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस तरह से ये मामला अपने आखिरी मोड़ पर है, तो आज का दिन शहाबुद्दीन के लिए बेहद अहम है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता आकाश। आकाश जानना चाहेंगे अहम फैसला आज आना है, क्या जानकारी मिल पा रही है इस वक्त, क्या अपडेट्स मिल पा रही है इस पूरी खबर पर इस वक्त? जी बिल्कुल ललिता, आज शाबुद्दीन के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, अहम फैसला आने को है। एकमात्र केस बचा हुआ है जिसमें उनका बेल होना बाकी है, या ऐसा कहें कि रिहाई होना बाकी है। इस पे अगर बेल हो जाती है, गवाह का अभाव है क्योंकि गवाह की हत्या हो गई थी पिछले साल 16 जून को, और उसके बाद से लगातार ये केस ट्रायल में चल रहा था और लगातार डेट पड़ रहे थे और इसको लेकर काफी उत्साह है। एक तरफ उनके समर्थकों में काफी उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ जो उनके समर्थक नहीं है, जो उनके विरोधी हैं, वो लोग भी काफी टेंशन में हैं कि अगर वो बाहर आते हैं तो फिर अपराध उसी तरह से बढ़ेगा। और ये तेजाब कांड
2004 का मामला है, जब दो भाइयों ने सावनी के आर्मी पे तेजाब फेंका था और उसी क्रम में उसके आक्रोश में कुछ लोगों ने उनको दोनों भाइयों को अपहरण कर लिया था और ऐसा बताया जाता है कि उन लोगों को ईंट भट्टे में डाल दिया गया था और इसमें साजिश के रूप में, साजिशकर्ता के रूप में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को आरोपी बनाया गया था। इसी में लगातार ट्रायल हो रहे थे, लंबे समय से इसमें ट्रायल हो रहे थे और लोग एक आंख लगा के बैठे हुए हैं कि आज उनका बेल हो सकता है और ये स्पेशल कोर्ट जो सिवान जेल में ही चल रहा है उसी से ये होना है। तो एक तरफ से उनके समर्थकों में काफी उत्साह भी देखने को मिला है और दूसरी तरफ मायूसी भी दिख रही है जो उनके विरोधी है। जी ललिता, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आकाश। तो आपको बताया कि एक बड़ा फैसला सिवान तेजाब कांड में आज आने वाला है। अगली बड़ी खबर मिल रही है औरंगाबाद से। आपको बताया कि 3 हार्डकोर नक्सली सरेंडर करेंगे, 1,00,000 का इनाम है तीनों नक्सलियों पर। संजय यादव, नागेश्वर सिंह और आनंदी कमार करेंगे सरेंडर, एसपी के सामने सरेंडर करेंगे ये तीनों। ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि एसपी के सामने तीनों जो हैं वो सरेंडर करेंगे। लखीसराय के आबादी वाले इलाकों में धान के भूसी से जलावन बनाने की 2 दर्जन से ज्यादा फैक्ट्रियां चल रही है। न्यूज कवरेज के दौरान जी मीडिया संवाददाता ने जब एसडीओ से इस बाबत सवाल पूछा तो उन्होंने फैक्ट्रियों को नोटिस देने का आदेश दिया है। बिना परमिशन जलावन बनाने वाली मशीनें खुलेआम जहर उगल रही है मगर प्रशासन बेखबर बना हुआ है। धुएं की वजह से खांसी, दमा, एलर्जी सहित कई तरह की बीमारियों से लोग परेशान हैं। हालांकि आसपास के मोहल्लों के लोगों का कहना है कि फैक्ट्रियों को लेकर कई बार शिकायत की गई लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे इतना पोल्यूशन निकलता है कि कहना मुश्किल है। यहाँ का प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि घनी आबादी में अगर कोई मिल हो तो उसको उखाड़ के बिक देना चाहिए, नहीं तो फिर ये 10 वर्ष में जितने भी यहाँ का आदमी उसको टीबी या दमा ग्रस्त हो जाएंगे, एकदम रोग ग्रस्त हो जाएगा। आबादी हम लोग घर के बीच में और शहर में कई कोने में लकड़ी का जो मिल बैठा हुआ काला धुआं निकलता है जो लकड़ी बनाने वाला है उससे लोग प्रदूषण से कई लोगों की जाने भी जा चुकी है और प्रदूषित लोग जो है बीमार पड़ रहे हैं। इससे कई संगठन के लोग भी कई एक बार जिला प्रशासन को आवेदन दिया गया है, लोग शिकायत किया है लेकिन जिला प्रशासन के आज तक इस लकड़ी की मिल पर जो ध्यान नहीं गया है। स्वास्थ्य महकमे के निर्देश पर बाढ़ अस्पताल में महिलाओं के बंध्याकरण ऑपरेशन का आयोजन किया गया लेकिन इस आयोजन में महकमे की भारी लापरवाही देखने को मिली। जहां सैकड़ों महिलाओं का ऑपरेशन होना था वहां महज 31 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया। कई महिलाओं को तो सुई भी लगा दी गई थी और दिन भर भूखा रखा गया था और जब ऑपरेशन की बारी आई तो शाम होने की बात कहकर टाल दी गई। इधर अतमल गोला स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी पशुपतिनाथ सिंह ने पूरे मामले में व्यवस्थापक की गलती बताई है। बेलची और अतमल गोला के आशा कार्यकर्ताओं ने कई दिनों की मेहनत के बाद सैकड़ों महिलाओं को ऑपरेशन के लिए जमा किया था। इतना ही नहीं, महिलाओं को ऑपरेशन के बाद जहां रखा गया था वो जगह भी सही नहीं थी और ठंड के मौसम में खिड़की भी टूटी हुई थी। दिक्कत यही हुआ सर कि हम लोग जब अथी परसेंट नहीं कम लाते हैं तो उस समय हम लोग को कहा जाता है कि आशा को चयन मुक्त कर दीजिए, मरीज आशा काम नहीं करती है। और जब हम लोग मरीज लेकर के आते हैं तो यहाँ दिन भर भूखा रखा गया अभी वापस कर रहा है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ, खाली एचआईवी जांच हुआ है यहाँ से और सारा पैसा लगा आप लोग। हाँ, सारा पैसा मरीज को लगा है। कितना मरीज लेके आए थे? मरीज 46 गो। तो हुआ कितना? 27 गो के ऑपरेशन हुआ, बाकी लौट के जा रही है। तो बताइए ये लोग हम लोग को इस सब के परिवार कुछ कहेगा कि नहीं? सर्जन के जो कैंप का सर्जन जो थे सर, तो वो ये ज़्यादा होने के लिए हेल्प के लिए 2 और डॉक्टर को दिया गया था सर्जन को, लेकिन जो यहाँ इस कैंप का सर्जन मेन थे वो नकार दिए। तो क्यों नकार दिए थे? ये 30 को हो गया इसलिए हो गया, हम नहीं करेंगे सर। इससे तो होगा कि फिर आप लोग आरोप लगाते हैं कि आशा कार्यकर्ता काम नहीं करती है, वो जो लेके आई उसके बाद नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये तो सर्जन का है।
तो वहीं जी पुरवैया की मुहिम का एक बार फिर असर हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति पर रियलिटी टेस्ट और पुरवैया मुहिम कार्यक्रम में पटना जिले के बिहटा, बिक्रम, नौबतपुर के स्वास्थ्य केंद्रों की खबर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति और केयर के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। अधिकारियों ने बिक्रम और दुल्हिन बाजार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों की कुव्यवस्था पर समिति ने नाराजगी जताई। समस्तीपुर में रेप पीड़ित 12 साल की बच्ची की जान खतरे में है और इसकी वजह है सरकारी अधिकारियों की लापरवाही। मई महीने में नाबालिग के साथ रेप की वारदात हुई थी जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई थी। 3 महीने के बाद घर वालों को पता चला और फिर थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत की गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मेडिकल जांच में नाबालिग गर्भवती पाई गई। प्रसव के लिए उम्र कम होने की वजह से अबॉर्शन की बात होने लगी, लेकिन सरकारी अधिकारियों के बीच में तालमेल नहीं होने की वजह से मामला लटकता गया और अब नाबालिग 7 महीने की गर्भवती हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे में अबॉर्शन से लड़की की जान जा सकती है और प्रसव में भी नाबालिग की जान खतरे में है। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही ने नाबालिग की जान खतरे में डाल दी है। इसकी मेडिकल स्तर में सीएसए भी लापरवाही हुई है। जब बच्ची उनके हॉस्पिटल में गई थी तो उनको भी बाल कल्याण को सूचित करना था, पुलिस को भी बाल कल्याण को सूचित करना था, हर मुकाम पर लापरवाही होती चली गई। आपको बताएं कि नाबालिग की मां की मौत हो चुकी है। पिता मजदूर है और मानसिक रूप से बीमार भी रहते हैं। खेत में मजदूरी कर रहे अपने पिता के लिए खाना लेकर नाबालिग गई थी, जहां खेत मालिक के बेटे ने उसके साथ वारदात को अंजाम दिया और उसके पिता की हत्या कर धमकी देकर उसे चुप करा दिया। उसके बाद भी उसने कई बार वारदात को अंजाम दिया। इसी बीच नाबालिग प्रेग्नेंट हो गई और 3.5 महीने बाद पेट में दर्द हुआ और जब उसकी चाची ने डॉक्टर को दिखाया तो उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। काफी पूछताछ के बाद नाबालिग ने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद आरोपी ढोराई महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गांव का दबंग था, इसलिए डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी ने नाबालिग को ममता शिशु केंद्र में देखरेख के लिए भेज दिया। आनंद फानंद में मेडिकल बोर्ड गठित कर सिविल सर्जन ने राय मांगी कि नाबालिग का गर्भपात होगा या प्रसव। सिविल सर्जन के रिपोर्ट भेजने में टालमटोल करते रहे। रिपोर्ट उनके ऑफिस में था और वो बाल कल्याण समिति को ही पुलिस से मेडिकल रिपोर्ट लाने के लिए कहते रहे। मामला टलता गया और नाबालिग 7 महीने की गर्भवती हो गई और अब उसकी जिंदगी जो है वो खतरे में है। मेडिकल बोर्ड से पूछा गया कि लड़की के साथ अगर प्रेग्नेंट है, जैसा कि बता रहा था, तो उसका भाई लोग कहना था कि इसका इलाज अस्पताल रखिए, तो लड़की को अगर भाई मान लीजिए जो कोई उसका देख रेख करने वाला नहीं है तो अगर वो चाहेगी तो उसका प्रसव भी कराया जाएगा, गर्भपात भी होने लग होगा, जो सीमा का टाइम फिर बताएगा डॉक्टर क्या सजेशन है। और अब बात लोहरदगा उपचुनाव की। 14 दिसंबर को लोहरदगा में होने वाला उपचुनाव राज्य सरकार के साथ साथ विपक्ष के लिए भी नाक का सवाल बन गया है। लिहाजा आज सूबे के मुखिया रघुवर दास एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री प्रचार कमान संभालेंगे, पर विपक्ष ने उस पर निशाना साधा है और कहा है कि लोहरदगा में एनडीए की हार तय है। गठबंधन उत्तरोत्तर विकास करे और विगत एक वर्ष में जो हमने काम किया और जब पहला यहाँ उपचुनाव हो रहा है राज्य में, तो हम लोगों को बताएं जाकर कि हमने क्या क्या किया और क्या करने जा रहे हैं, फ्यूचर कोर्स ऑफ प्लानिंग भी बताना। और हम लोगों ने जो पूर्ण बहुमत की बात लोगों से की थी, जिस पर लोगों ने भरोसा करके हमें मत दिया। झारखंड विकास मोर्चा एक ऐसा पार्टी है कि पूरे स्वच्छ और पूरी पारदर्शिता की पार्टी है और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि झारखंड विकास मोर्चा जो 14 तारीख को जो वोटिंग होगी ईवीएम मशीन में, सिर्फ जेवीएम है, जेवीएम डालेगी। जो 14 तारीख को वहां पर वोटिंग होने जा रहा है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में होगा और जो वहां के जो डेवलपमेंट होने चाहिए था, दो दो चुनाव हुए थे, वहां के लोगों ने उनको जिताकर भेजा था। झारखंड में लोहरदगा उपचुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, लिहाजा राजनीतिक गलियारों में भी कई सवाल गूंज रहे हैं। क्या इस उपचुनाव में फिर से एक बार सत्ताधारी दल की जीत होगी या विपक्ष पिछले कई उपचुनावों की तरह इतिहास फिर से दोहराएगा।
लोहरदगा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, क्योंकि राज्य में अब तक हुए उपचुनाव के नतीजे सत्ताधारी दल और विपक्ष के लिए झटका देने वाले रहे हैं। लिहाजा एनडीए प्रत्याशी नीरू शांति भगत के सामने विरासत को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। जनता चाहती है कि नीरू भगत जी जो आई हैं, नारी शक्ति के रूप में भी आई हैं, एक ऐसी महिला जो नर्स के रूप में सेवा करती रही हैं, वो जनता के बीच में दूसरे माध्यम से सेवा के रूप में पहुंची और सलाम उस महिला को। आप और हम देखिए कि हथेलियों में अभी उनके हल्दी के दाग अभी बने हुए हैं, उनके ठीक से मेहंदी के दाग छूटे नहीं हैं, और उन्होंने अपने जो विरासत में मिला है संघर्ष उसको उस महिला ने अपना लिया। लेकिन कांग्रेस को भरोसा है इस बार यहाँ से उनके ही उम्मीदवार सुखदेव भगत जीत का परचम लहराएंगे। लगातार जो ग्राफ गिरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, और मैं समझता हूँ कि बहुत भारी अंतर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत जी जीतने जा रहे हैं। चुनाव है तो चुनौती भी है, लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा इस चुनाव में किसकी नैया पार लगती है। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। और बात झारखंड कैबिनेट की। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 34 मामलों पर मुहर लगी। रांची में नए विधानसभा भवन के निर्माण के लिए सरकार ने 465 करोड़ 11 हजार रुपए की मंजूरी दी। प्रस्तावित भवन का निर्माण HEC कोर कैपिटल एरिया में कराया जाएगा, जिसमें 150 विधायकों के बैठने की व्यवस्था होगी। वहीं रांची के कांके में PPP मोड पर IIIT के निर्माण को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। साथ ही राज्य सरकार ने मार्च 2012 में नियुक्त 9 डॉक्टरों को लगातार अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त करने का निर्णय भी लिया है। किसानों के कल्याण के लिए सरकार ने राज्य कृषि बीज विकास निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी है। साथ ही संथाल में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 108 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी गई है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस 2015 पर भी सहमति बनी है। नए झारखंड विधानसभा भवन के निर्माण कार्य हेतु 465 करोड़ 11 हजार रुपये की योजना के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस भवन का निर्माण HEC से प्राप्त भूमि पर प्रस्तावित कोर कैपिटल क्षेत्र में कराने का निर्णय लिया गया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के आधार पर रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT की स्थापना का निर्णय लिया गया है, और इसमें जो सहभागिता है भारत सरकार, राज्य सरकार और इंडस्ट्रीज पार्टनर्स की, वो 50, 35 और 15 के अनुपात में है। रुक करते दूसरी खबर की ओर। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी बिहार में बिगड़ती विधि व्यवस्था को विपक्ष ने मुद्दा बनाया। बीजेपी नेताओं ने कई घटनाओं का हवाला देते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। अपराध रोकने में सरकार पूरी तरह फेल कर गई है। कोई दिन ऐसा नहीं जो अपराध नहीं हो रहा है, और जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं उससे राज्य की जनता में भय आतंक का माहौल बन रहा है, और जनता पीछे की ओर देख रही है कि आज से पहले जो 15 साल बिहार में था, इधर जब तक नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, अपराध ठहर गया था, रुक गया था, उसके बाद से काफ़ी गिरावट आई है। चिंता का विषय है, सरकार को इस पर अविलंब कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। सभी जगह व्यवसायियों का अपहरण हो रहा है, कहीं फंसाया जब वाहन की चोरी बढ़ गई है। हमारे दरभंगा में भी चोरी की घटनाएं, वाहन चोरी की घटनाएं और गलत केस में फंसा देना, एक नई पद्धति चालू हुई है कि जो केस करने लोग थाने में जाता है उनके साथ व्यवहार गलत होता है और उनको हटा दिया जाता है। प्रयास किया जाता है कि कम से कम केस दर्ज हो, ये भी एक नई परिपाटी दर चालू हुई है। लगभग
12-13 से ज़्यादा बैंक डकैतियों की घटना घटी है, वो नालंदा हो और वैशाली हो। तो माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री के केंद्र बिंदु में ज़्यादा बैंक डकैतियों की विषय बढ़ा है, और साथ ही साथ जो हत्याएं जहां जहां हो रही है, विशेष करके व्यापारियों का जिस प्रकार से हत्याओं का दौर चला है, तो चारों तरफ जनता बहुत ही भयभीत है, आक्रांतित है। और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वैसे तत्वों को परेशान कर कर और जगह जगह उसके देखेंगे आप निकाल कर, तो दो तीन चीज़ जो स्पष्ट रूप से आया है कि वैसे लोगों की भी हत्या की गई है। बिहार में अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है और सभी जिलों में समान रूप से ग्राफ बढ़ रहा है और ये एक चिंता का विषय है। पुलिस प्रशासन भी अपने को अक्षम पा रहा है, क्योंकि ऐसे तत्व जो किसी न किसी कारण से छिप गए थे या वो गायब हो गए थे, वर्तमान सरकार के कारण उसमें जो महागठबंधन के अन्य दल हैं उनके सह के कारण हो या उनके द्वारा वो पोषित लोग हों, वह पुनः सर निकालने लगे हैं, जो एक सरकार के लिए चिंता की बात है।